देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता आज लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर गौतम बुद्ध नगर की जनता क्या कहती है, जरा सुनिए। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है। कुछ ही देर बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे तारीखों का ऐलान किया जाएगा, उसको लेके सभी की निगाह टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो गौतम बुद्ध नगर की जनता है, वो इस बार लोकसभा चुनाव को लेके क्या कहती हैं, ये सब चीज़ें बातें करेंगे। इस समय सारे नोएडा के सेक्टर 12 के आसपास के जो लोग हैं वो हैं, और सभी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके है, कितने विकास कार्य इस बार हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि कितने 10 साल में काम हुए हैं? भैया जी देखिए, काम तो बहुत हुए हैं, और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष कभी किसी का नहीं कह सकता, चाहे वो घर में हो विपक्षी या फिर वो इसमें प्रजातंत्र में हो, तो विपक्षी हमेशा यही कहेगा कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन काम हमारे बहुत हुए हैं, जो कि मतलब आप गिनने में आएंगे ना तो आप गिनते गिनते आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, इतने हमारे काम बीजेपी की तरफ से हुए। सीए अभी लागू हुआ है और विपक्ष कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, चुनावी स्टंट होता तो ये रमज़ान से एक दिन पहले ना लागू होता, क्योंकि ये रमज़ान से एक दिन पहले लागू हुआ है तो चुनावी स्टंट तो ये है नहीं। ये एक ऐसा कानून है जो किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है, एक अच्छा कानून है। इसके मामले के मैं भी इसको इसका विरोध नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ में खड़ी हूँ सीए के। महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, आप नोएडा में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है और क्या बदलाव आपने देखे पिछले 10 सालों में? महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत पुलिस की काफ़ी अच्छी है, और लोग मतलब लड़कियां भी रात में कोई परेशानी नहीं है। जैसे पहले बहुत केस सुने थे कि रात में लड़की जा रही है, उसे पकड़ लिया, उसका रेप कर दिया, ये कर दिया, तो अब आते तो हैं, अब भी केस, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, अब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है, और नोएडा में तो थोड़ा है, मतलब कम हुए हैं। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, गैस पे दाम कम हो गए, तो आप मानते हैं कि चुनाव आने से पहले इस तरीके के हर सरकारें करती हैं इस तरीके का? देखिए ये तो पेट्रोल घटता भी है बढ़ता भी है, ये तो कच्चा माल आएगा जितना उतना ऐसा होगा, और जितना अच्छा एक्सपोर्ट होगा तो और अच्छा पेट्रोल कम होगा, तो ये तो घटते बढ़ते रहे, इसमें कोई वाली बात नहीं। जब अगर इन बहन ने ये कहा है कि हमारे मुसलमानों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, बोल नहीं, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा योजना हमारे मोमडन भाइयों को ही दी है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव पे और खासतौर से गौतम बुद्ध नगर के क्या मुद्दे हैं जिनको पूरा होना चाहिए था? गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा जी भारी मतों से विजयी होंगे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड सुविधा, 5 लाख के इलाज हर, और उज्ज्वला योजना, अभी प्रधानमंत्री जी ने इतने योजनाएं दी हैं लोगों को जिससे भारी संख्या में उन्हें लाभ हो रहा है। ठीक है, 400 पार का नारा वैसे ही केंद्र सरकार लगा रही है। आपसे बात करते हैं, क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव के होने चाहिए थे, किन पे जो है पिछले 10 सालों में काम हुआ है? देखिए, मुद्दा तो लगातार रिजॉल्व होता जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक उसका समाधान भी हो रहा है। जैसे विश्व का 4था सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और इसके आने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और हमारा जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7.8% भी पहुँच चुका है। एक वो दौर था जब हम लोग लाचार महसूस करते थे कि 2% ग्रोथ रेट से आगे ही नहीं बढ़ पाते थे, और हमारा मजाक उड़ाया जाता था बाहर के देशों में। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज हम लोग 7.8% के रोड पर पहुँचे हैं। क्या मुद्दा है जो जिस पर काम होना चाहिए? एक सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, और उसके अलावा मुझे नोएडा शहर में तो ऐसा लगता नहीं किसी चीज़ की कमी है। सुरक्षा में भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रोडें बहुत चुस्त हैं, लाइटें बहुत अच्छी हैं, और लोगों को राशन भी मिल रहा है, और अथॉरिटी अपना काम भी पूरा कर रही है। ये सभी वो लोग हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने देश भर के क्या मुद्दे हैं उन पर बातें करी, वहीं नोएडा के क्या मुद्दे हैं उसको लेके, महिला सुरक्षा को लेके तमाम जो मुद्दे थे उसको लेके बातचीत की। सभी का अपना अपना जो बयान है, अपने अपने तर्क हैं, जिनका कहना है कि मोदी सरकार ने काम जरूर करे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक मुद्दा है। अब देखना होगा कि जनता दोबारा से जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है उसको बीजेपी कितना सफल करने में कामयाब होगी। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।